हेलो व्यूअर्स, हेल्दी जिंदगी चाहते हैं? शेप में रहने के लिए आप कई चीजें खा सकते हैं। जहां ज्यादातर लोगों का मानना है कि सब्जियां हेल्दी होती हैं, कई गजब फल भी हैं जो सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स से भरे होते हैं। आइए पोषक तत्वों से भरे उन 11 फलों के बारे में जानें जो आपकी सेहत सुधार देंगे। आम ट्राई किए हैं? तरबूज का क्या? आखिरी बार नींबू कब खाए थे? आप ऑलिव्स खाते हैं? शायद इसके बाद खाना शुरू कर दें। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहला, ऑलिव्स। जानती हूँ ये आपकी पहली पसंद नहीं, पर ऑलिव्स पोषक तत्वों का खजाना है। इनमें आयरन, कैल्शियम, कॉपर और विटामिन ई भरकर होता है। कहा जाता है इन सबसे ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने की संभावना कम होती है। 2014 की एक स्टडी से पता चला कि ऑलिव्स में मौजूद प्लांट कंपाउंड्स हड्डियों के नुकसान को कम कर सकते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इतना ही नहीं, ऑलिव्स कैंसर और हृदय रोग रोकने में भी काफी प्रभावी हैं। ऑलिव में ओलेइक एसिड होता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और सूजन और संक्रमण के चांसेस कम होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑलिव्स को लिवर और गुर्दे की बीमारी के खिलाफ एक गजब कॉम्बैटेंट बनाती है। तो ये सुनने के बाद शायद आप ऑलिव्स को अब अलग नजरिए से देखेंगे। दूसरा, नींबू। आपको मुंह बनाना कम करना पड़ेगा, क्योंकि नींबू सभी प्रकार के पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छा स्रोत है। देखिए इस एक अकेले 12 कैलोरी के नींबू में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6 और एक भूल रही हूँ, ओ हाँ, डेली रिकमेंडेड विटामिन सी का 24% होता है। नींबू कई स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों से बचाता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ने जैसी चीजें शामिल हैं। विटामिन सी खास तौर पर पथरी रोकने में प्रभावी है। अध्ययन बताते हैं कि नींबू में मौजूद कंपाउंड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर शरीर में सूजन कम करते हैं। यही कंपाउंड्स पाउंड्स कम करने में मदद करते हैं, जिससे वेइंग स्केल पे चढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तीसरा, आम। आम ना केवल स्वादिष्ट होते हैं, वो विटामिन सी का एक शानदार स्रोत भी है। एक कप कटे आम में आपके डेली रिकमेंडेड इनटेक का 51% होता है। इनमें बहुत सारा पोटेशियम और सोल्यूबल फाइबर भी होता है। फाइबर आपके ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थ दिल की समस्याओं और सूजन को भी कम कर सकते हैं। ये आपके गट की रक्षा करता है। उच्च फाइबर वाली डाइट आपको लंबे समय तक भरा महसूस कराएगी। इससे आप वजन तेजी से कम कर पाएंगे। तो किराने की दुकान से कुछ आम लेकर आए। चौथा, अनार। ये महंगे होते हैं, पर विश्वास करिए आपका पूरा पैसा वसूल होगा। अनार सबसे हेल्दी खाद्य पदार्थों में से एक है। इनमें आयरन, पोटेशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, पर इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स इसे एक सुपीरियर फल बनाते हैं। देखा गया है कि ग्रीन टी और रेड वाइन में भी इससे कम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं, शरीर में सूजन कम कर ऐसा होता है। पांचवा, सेब। शायद आपने अनार इतना ना खाया हो, पर सेब जरूर खाया होगा। ये सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। ये शायद सबसे आम फलों में से एक भी हो। सेब में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिनकी आपके शरीर को जरूरत है। सेब में बहुत से विटामिन, फाइबर और पोटेशियम होता है। नतीजतन इससे वजन घटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रख डायबिटीज की संभावना को भी कम करता है। कहा जाता है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बोन डेंसिटी बढ़ाते हैं। सेब में पेक्टिन भी होता है। ये एक तरह का फाइबर है जो आपके आंत में स्वस्थ बैक्टीरिया को सुधारता है, जिससे शरीर के लिए पाचन आसान होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। साथ ही अध्ययन बताते हैं कि सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और अल्जाइमर्स से लड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आपने कॉफी कम करने के बारे में सोचा है? कैफीन विड्रॉल और उसके प्रभावों से जुड़ा हमारा नया वीडियो जरूर देखें। छठा, स्ट्रॉबेरीज। अब हम मजेदार खाद्य पदार्थों पर आ रहे हैं। सेब की तरह स्ट्रॉबेरी भी सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। क्या आप कभी गर्मियों में स्ट्रॉबेरीज तोड़ने गए हैं? ये मजेदार होता है। स्ट्रॉबेरी में किसी भी फल के मुकाबले सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, सिर्फ एक कप में 84 मिलीग्राम। ये आपके डेली इनटेक का 99% है। इसमें फोलेट, पोटेशियम और मैंगनीज भी भर के होता है। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, तो वो शायद आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएंगी। और इसमें इतने बढ़िया न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आपको खतरनाक बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है, जिसमें दिल की समस्याएं और कई तरह के कैंसर शामिल हैं।
स्ट्रॉबेरीज आसानी से मिल भी जाती हैं। इन्हें खाने के कई तरीके हैं। हाँ, आप कच्ची स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी स्मूदी का क्या? आपने कभी स्ट्रॉबेरी सलाद में मिलाई है? क्या आपको और बेरीज चाहिए? तो ये रही एक और। सातवां, ब्लूबेरीज। मतलब हाँ, ये विटामिन, फाइबर और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों का बढ़िया स्रोत है, लेकिन कौन से हेल्दी फल में ये चीजें नहीं? तो चलिए एंटीऑक्सीडेंट्स पर बात करते हैं, क्योंकि ब्लूबेरीज इनका पावर हाउस होती हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि ब्लूबेरी में किसी भी आम फल के मुकाबले ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ब्लूबेरी अपनी डाइट में शामिल करने से आपको हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों की संभावना कम होगी। जब आप इसे खाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने वाले सेल्स को एक बूस्ट मिलता है। ये संक्रमण से लड़ते हैं। रिसर्च ये भी दिखाती है कि ब्लूबेरीज का इंसानी दिमाग पर शक्तिशाली प्रभाव होता है। अध्ययनों से पता चला कि ये फल बूढ़े लोगों की याददाश्त में सुधार करता है। तो आप स्ट्रॉबेरी चुने या ब्लूबेरी, भलाई दोनों में है। आठवां, एवोकाडोज। अब तक एवोकाडोज ट्राई नहीं किए? आजकल ये सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। स्ट्रॉबेरीज की तरह आप इन्हें कई तरह से खा सकते हैं। एवोकाडोज में कार्ब और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। एक पूरे फल में आपके डेली डाइटरी फाइबर का 48% होता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी और पोटेशियम भी होता है। एवोकाडो के एक पीस में करीब 975 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। पोटेशियम ऐसा मिनरल है जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होने में मदद मिलती है। इसमें दिल की धड़कन और सांस नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां भी शामिल हैं। इससे ब्लड प्रेशर कम होगा और आपको स्ट्रोक पड़ने का खतरा भी। थोड़ी देर पहले हमने ओलेइक एसिड की बात की थी, याद है? एवोकाडो में ये भी बहुत होता है। जहाँ पोटेशियम से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वहीं ओलेइक एसिड सूजन कम करता है। नवा, तरबूज। पहले अनार, फिर एवोकाडो, अब तरबूज। सुनने में गजब लगता है ना? न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो तरबूज आपके होश उड़ा देगा। ये आम विटामिन्स का एक बड़ा स्रोत है। इसमें पोटेशियम और फाइबर भी भर के है, पर तरबूज में मौजूद लाइकोपीन एक हेल्थ बोनस है। ये न्यूट्रिएंट लाल पिगमेंट के रूप में आता है। ये टमाटर में भी होता है और एक ऐसे फल में भी होता है जिसकी हम जल्द बात करेंगे। लाइकोपीन के कई फायदे हैं, जिसमें आपके दिल और त्वचा की सुरक्षा शामिल है। इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैंसर की संभावना कम करने से भी जोड़ा गया है। हृदय रोग की बात करें तो लाइकोपीन आपके बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। लाइकोपीन और बाकी चीजों के अलावा तरबूज में भारी मात्रा में पानी भी होता है। मतलब किसने सोचा होगा, एक पूरे तरबूज में 92% पानी होता है। तो आपका दिल तो अच्छा रहेगा ही, आपका शरीर भी हाइड्रेट होगा। दसवां, अनन्नास। ये एक ऐसा फल है जिसे हम सही मात्रा में नहीं खा रहे। आप जानते हैं ना, ये कटा हुआ भी मिलता है। अनन्नास में बहुत से अद्भुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर ब्रोमेलिन जितना खास कोई नहीं। ये एंजाइम्स का एक मिक्सचर है जो सूजन रोकने और प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। स्टडीज बताती हैं कि सही ब्रोमेलिन इंटेक कैंसर और ट्यूमर के विकास से बचाता है। इसके अलावा अनन्नास में आपका पसंदीदा विटामिन सी भी होता है। एक कप कटे अनन्नास में 62% विटामिन सी होता है। ग्यारहवां, ग्रेप फ्रूट। ये सबसे स्वस्थ सिट्रस फ्रूट्स में से एक है। ये विटामिन और मिनरल्स का एक बढ़िया स्रोत है, जैसे विटामिन सी, ए, B6, मैग्नीशियम, फोलेट और पोटेशियम। नियमित रूप से ग्रेपफ्रूट खाएं तो आप जल्दी वजन घटा सकते हैं। 2006 में करीब 100 लोगों पर हुई एक स्टडी से पता चला कि जिन्होंने ग्रेपफ्रूट खाया, उन्होंने इसे ना खाने वालों के मुकाबले 1.5 किलो ज्यादा वजन घटाया। शोध ये भी बताते हैं कि सही मात्रा में ग्रेपफ्रूट खाने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, साथ ही ये पथरी का विकास रोकता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। क्या आप इनमें से कोई फल खाते हैं? वीडियो देखने के बाद किसी को खाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।